धमाका शाम को 7:20 पर बाजार के बीचों बीच तब हुआ जब भीड़ बहुत थी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए प्रयागराज की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हे भगवान, भैया इतनी भीड़ में लगभग 150-200 तो ऊपर चले गए होंगे। मैं तो कह रहा हूँ यार, आतंकवादियों को पकड़ो और वहीं के वहीं उड़ा दो, बिना किसी सुनवाई और बिना किसी अदालत। और बदला लेने के लिए वो फिर से यही करेंगे? भाई साहब, जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। हाँ सही कह रहे हैं आप भाई। माँ, हम खाना बाहर खाएंगे। ये देखो, यहाँ लोग मर रहे हैं और इनको खाने के चस्के पड़े हैं। हेलो डॉक्टर वेदांत, बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। सारे डॉक्टर्स लगे हुए, लेकिन और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ रश्मि, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पूर्वा, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, आप जाइए। ये नजर भी बहुत बुरी चीज होती है, बहुत जल्दी लग जाया करती है। भाभी, घर में जो भी रूखा सूखा पका है दे दो, प्रभु का नाम लेकर खा लूंगी। डॉक्टर वेदांत, अभी तक कितने पेशेंट्स को लाया गया है? लाए जा रहे हैं डॉक्टर वेदांत, और इनमें से काफी लोगों की हालत क्रिटिकल है। मैं और डॉक्टर अस्थाना सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं, ठीक है? डॉक्टर रश्मि, यू विल चेक विद पेशेंट्स और मेजर एंड माइनर वुंड्स, ओके? डॉक्टर पंखुरी, आप छोटे छोटे घाव और चोटें चेक करेंगे, ओके? और आप एक लिस्ट बनाएंगे सभी पेशेंट्स का, एक काउंट लेकर किसको क्या इंजरी हुई है वो लिस्ट डॉक्टर्स को भेजेंगे, ठीक है? पर डॉक्टर वेदांत, इतने सारे पेशेंट्स और उनके काउंट मैंने कभी किया नहीं है। डॉक्टर पंखुरी, कॉलेज में शायद नहीं सिखाया जाता हो, पर रियल लाइफ में सिचुएशन देख के फैसले करने होते हैं। और याद रहे, यहाँ पर जितने भी पेशेंट आए हैं वो सबके सब सही सलामत यहाँ से जाने चाहिए। ये हमारी ड्यूटी नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग भी। ओके, लेट्स गो। पेशेंट सायरा की वूम में घुस गया था, पर बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा बिल्कुल सेफ है। पर वो जो पेशेंट है ना, उससे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टर। तो ब्लड ग्रुप पता कराइए और ब्लड बैंक से अरेंज कराइए, ठीक है? ड्यू डेट कब की है? एक हफ्ता एक महीना। डिलीवरी कब की है पंखुरी? मुझे नहीं पता डॉक्टर वेदांत, मेरे से ये नहीं होगा। डॉक्टर वेदांत, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप ओटी चलिए, मैं ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू रश्मि। पूर्वा बेटा, एक डॉक्टर की पत्नी होना आसान नहीं होता, क्योंकि हमसे पहले, सबसे पहले उनका काम, उनकी ड्यूटी होती है। ऐसे ही लोग उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते। दादी, मुझे भगवान कभी नहीं चाहिए था, एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, एक छोटा सा परिवार जहां दोनों में प्यार, एक साथ हंसे रोए झगड़े पूरी दुनिया घूमे और जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। I'm sorry दादी, मैं ये वेदांत के लिए या इस परिवार के लिए नहीं बोल रही थी, मैं तो सिर्फ ये। नहीं बेटा, सॉरी किस लिए? सपने सब देखते हैं, तूने भी देखे, लेकिन जिंदगी एक ऐसा सच है, कभी सपनों से बेहतर और कभी बहुत साधारण। सपने तो सिर्फ देखे जाते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना पड़ता है। दादी, सपने तो किस्मत से सच होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम अपने सच को तो बदल सकते हैं ना। वैसे भी वेदांत कहते हैं कि हर किसी को दो मौके जरूर मिलते हैं,
काफी लंबा चला डॉक्टर ऑपरेशन, सुबह के 2 बज रहे हैं। 4 घंटे चला ऑपरेशन। पेशेंट की फैमिली से कोई है क्या? उनके हस्बैंड। मेरी पत्नी के सिस्टर। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान का रूप हो और मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे जोड़ के आपकी सारी फीस चुका दूंगा डॉक्टर साहब। रिलैक्स करिए, देखिए आपकी पत्नी और बच्चे के लिए जो आपका प्यार है ना, वही मेरी फीस है। ठीक है, आप रेस्ट करिए। ठीक है सर। रश्मि और कोई इमरजेंसी है? अब सब ठीक है डॉक्टर, आप जाके रेस्ट कीजिए। थैंक यू। जीवन रेखा अस्पताल, क्या उसी मसीहा डॉक्टर का है क्या? जी सर, डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी। इसका बाप हमारा दोस्त हुआ करता था कॉलेज में। लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गया है। यहाँ का मेन डॉक्टर कौन है? हमारा स्वागत करने नहीं आया? वही है सर, डॉक्टर वेदांत। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। सर शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, हम यहाँ पे ब्लास्ट में हुए पीड़ितों को देखने आए हैं। उन मासूमों के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया है, हम उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। सर इसके पीछे किसका हाथ होगा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए हमें उन मासूमों से मिलना बहुत जरूरी है। आप लोग हटिए। नेताजी हमको जरा जवाब दे दीजिए, हमको जरा। वापस क्यों जा रहे हो? सर ये कुछ पेपर साइन करवाए थे, लेकिन आप आराम कर रहे थे तो। ठीक हो आप? I'm really really sorry डॉक्टर वेदांत, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाई ना। और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगी तो किसी की जान भी जा सकती है। यही तुम्हारा काम है पंकुरी, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना। पर मैं एक इंटर्न हूँ डॉक्टर वेदांत, और आप मुझसे इतनी जल्दी ये सब चीजें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और मैं आपकी साली हूँ, कम से कम ये बात तो समझिए। यहाँ पे तुम मेरी साली नहीं हो पंकुरी, एक डॉक्टर। रोज यहाँ पे मरीजों को मौत से लड़ते देखोगी, अगर खुद घबरा जाओगी तो उनका इलाज कैसे करोगी? आज ये बात मुझे समझ आ गई। वैसे मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर वेदांत, क्योंकि सायरा और उसका बच्चा ठीक है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्वागत है आपका इस दुनिया में। चलिए डॉक्टर साहब, और जरा जल्दी। जी आप कौन और यहाँ पे कैसे? हम चौकस पांडे जी का पीए हैं, और वो यहाँ के एमपी हैं। उनका बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर को भेजता हूं। अरे आप समझ नहीं रहे, गुस्से का बुखार है। तू यहाँ बॉम्ब वाला मरीजों को देखने आए हैं और आप उनका वेलकम करने नहीं आए? मुझसे ये सब नहीं होता है, आप उनको मिला दीजिए ना पेशेंट से। अरे थोड़ी देर के लिए ही चलिए, कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाएं। अच्छा आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ पर जरा जल्दी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, बड़ी बहादुरी दिखाई आप सबने। हम तो सिर्फ आप लोगों के सेवक हैं, सिर्फ हौसला रखिए, सिर्फ हौसला रखिए, इसका जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर आए कि नहीं, कभी भी हमारी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूंगा। वैसे तो वो ठीक है, तो फिर भी तुम डॉक्टर रश्मि से कहना कि एक बारी सायरा का चेकअप कर ले, तब तक मैं अपने एमपी साहब का ईगो संभाल पाऊंगा। ओके। सर आ गया डॉक्टर वेदांत। डॉक्टर वेदांत
डॉक्टर वेदांत, वो सायरा उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अरे पर अचानक कैसे? रमेश त्रिपाठी को फोन लगाओ, इमरजेंसी है। वेदांत, चाय लेकर आऊं? नहीं माँ, पहले आप खाना ही खिला दीजिए ना, कल शाम से कुछ नहीं खाया। ठीक है। तेरा एग्जाम कैसा गया संजू? बहुत बढ़िया। शाबाश, बस तू जल्दी से अब डॉक्टर बन जा, हॉस्पिटल में तेरी बहुत जरूरत है। गोदड़ी लाल, इतना भी दिमाग नहीं है तुझमें ना, तो अपने आप को डॉक्टर कहना बंद कर। किससे कैसे बात करनी है, क्या करना है, ये सब सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? भैया बात क्या हो गई? अरे इससे पूछो बात, अस्पताल बंद करवाने में लगा हुआ है। किया क्या मैंने बाबूजी? अरे अम्मा, कल अस्पताल में एमपी साहब आए थे और आपके इस लाडले ने उनकी बेइज्जती की, और अकड़ तो देखो इसकी, उन्होंने हाथ बढ़ाया और ये मुंह मोड़कर चला गया अंदर। फोन आया उस एमपी का, धमकी दिया उसने मुझे। आपको किस लिए फोन किया उसने बाबूजी? वो मेरा कॉलेज का दोस्त था, ये तो अच्छा हुआ कि उसने दोस्ती का लिहाज किया, वरना आज की आज बंद करा देता अस्पताल। इस बार तू बहुत गलत उलझ गया है गोदड़ी लाल। वेदांत, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चौकस बहुत खतरनाक आदमी है। चाचू, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, एक पेशेंट की जान खतरे में थी इसलिए बीच में छोड़ के भागना पड़ा। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लूंगा। तू माफी मांगेगा और वो माफ कर देगा? 50 लाख रुपए मांगे हैं उसने पार्टी फंड के लिए, वरना अस्पताल बंद। अरे ये कैसी गुंडागर्दी है? रिश्वत है दादी, जो मैं नहीं दूंगा। दादाजी के सिद्धांतों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तो सोच ले गुदड़ी लाल, सिद्धांत बचाएगा या फिरासत, उसूल या जीवन रेखा। देखिए, आप लोगों की फिक्र मैं समझ रहा हूं, पर कुछ गलत नहीं किया है मैंने, अपना काम कर रहा था बस। पर ये पैसे मैं नहीं दूंगा। बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसका कोई और हल है? अम्मा, ये चौकस बहुत खतरनाक आदमी है, बीच बाजार में सैकड़ों की भीड़ में एक आदमी को गोली से उड़ा दिया इसने। सैकड़ों लोग थे वहां, मगर किसी ने भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए जबान नहीं खोली। इससे जीत पाना बहुत मुश्किल है अम्मा। और अगर मैं उसे इतने पैसे देना भी चाहूं तो भी मैं उसे नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। ये क्योंकि अगर उसकी बेइज्जती करने से पहले सोच लिया होता ना, तो सब सर पकड़ के नहीं बैठे होते आप। भैया वो आपका दोस्त है, आप उसे समझाइए ना। अरे ये गुंडे लोग किसी के दोस्त होते हैं क्या? सिर्फ एक भाषा समझते हैं, नोटों की।
तो अब क्या देखते हैं क्या है हमारे पास जो हमें इस वक्त बचा सके। अब ये ले दे के घर है और एक अस्पताल, जीवन रेखा को गिरवी रख देते हैं। अग्रवाल से मैं बात कर लूंगा, मोटा आसामी है ये, जो बला है वो तो टलेगी समय। डॉक्टर अग्रवाल को सिर्फ पार्टनरशिप करनी है, और जिस तरह से वो काम करते हैं ना, उस बेईमानी से मैं दादाजी के जीवन रेखा में काम होने ही नहीं दूंगा। ओ गुदरीलाल जी, अगर आप इतनी समझ रखते हैं ना, तो कृपया बताइए कि हम भीख मांगने कहां जाएं? अग्रवाल के अलावा इस समय कौन देगा हमें इतना पैसा? आप इन्हें सोचने का टाइम तो दीजिए, मुश्किल तो अभी पता चली। मुझे पता है वेदांत कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं कुछ सोचता हूं। मां इससे पहले कि देर हो जाए और हम सबके हाथ में कटोरा आ जाए, इस गुदड़ीलाल को समझाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सब्र तो कीजिए, आज तक हर मुसीबत से सबको वही तो बचाते आए हैं। ओ महारानी जी, ये जीवन रेखा की बात हो रही है, मतलब हमारे घर की बात। गुदड़ीलाल का साथ देने का मतलब है एक बहुत ही खतरनाक एमपी के रास्ते में आ रहे हो तुम। अम्मा, वैसे ये ठीक ही तो कह रहे हैं ना, गुंडों के मुंह लगकर कब क्या हाथ आया है। हाँ अम्मा, वेदांत हम सबको बचा तो लेगा ना, वो सब संभाल लेंगे चाची, वेदांत है ना। सबके सामने मेरा साथ देने के लिए और समझने के लिए थैंक यू। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। याद है जयपुर में मेरी किडनैपिंग के टाइम आपने कैसे उन गुंडों को एकदम धर के, कभी यहां से चाटा, कभी वहां से डिशुम, कभी पैरों से लात, तो कभी मुंह पे कस के एक चमाटा। वाह वाह, क्या लड़े थे आप। आप तो रहने ही दीजिए, इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस सुनाया। अजी सुनाया क्या, मैंने तो खुद करके दिखाया। ताली तो दूर की बात, एक स्माइल तक नहीं मिली मुझे। अरे आई आई, बस थोड़ी सी और, थोड़ी सी। आप कर सकते हैं वेदा, यू कैन डू इट जवान। चलिए स्माइल कीजिए। अरे मजाक है क्या, कि अब हमारा मजाक भी वो बिजली घर वालों को पसंद नहीं। चलो देखते हैं। ये बिजली को भी अभी जाना था। मंजुला, सुमति, अरे भाई इमरजेंसी लाइट नहीं मिल रही तो कैंडल जला लो। हाँ, आज हम सब लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। भाई कैंडल और लाइट का तो पता नहीं, मगर डिनर जरूर होना चाहिए। लेकिन बाहर तो लाइट है। हैं? कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? बिल्कुल उड़ गया है, लेकिन चौकस के दिमाग का, ये उसी की हरकत लग रही है। मैं कहता हूँ वो हाथों के पीछे पड़ गया हमारे। अरे
ये सब आपको कैसे पता है बाबूजी? हेलो हेलो अननोन नंबर है। हेलो वही नंबर है।